हमरी कल्लो भैंसिया, आ तुम कैसन बा? हाँ, तुमको याद है अब बचपन में हम तुमरा सवारी करते थे, आ तुमरा काला काला वो बड़ा सा बाड़ी, हाँ तुमरा कितना दूध बाबी पिए हैं हम बचपन में। और तुमको याद है तुम ऐसे चबड़ चबड़ करके घास चबाती थी? हाँ, बहुत अच्छे। किससे बतिया रही हो बगली? हमरी कल्लो भैंसिया से। अब बाद में काल करते तुमको। हाँ, कल्लो भैंसिया से? कल्लो भैंसिया बोलती भी है का? हाँ बोलती है ना। तो वो इसलिए करती है क्योंकि उसका पाला एक बॉडम औरत से पड़ गया। दिया, आप हमको बॉडम काहे बोल रहे हैं? हमरी कल्लू भैंसिया कभी हमको बॉडम ना ही बोली है। अगर कल्लू भैंसिया बोलती होती ना तो जरूर बोलती बॉडम औरत बॉडम। बस कीजिए, आप हमको बॉडम काहे बोल रहे हैं? हमरी कल्लू भैंसिया कभी हमको बॉडम ना ही बोली है। अगर कल्लू भैंसिया बोलती होती ना तो जरूर बोलती बॉडम औरत बॉडम। बस कीजिए, वो हमसे बहुत प्रेम करती है, वो हमको बॉडम ना ही बोल सकती है। कोई बोले ना बोले, लेकिन हो तो तुम बॉडम ही। चुप कीजिए, अब काहे बार बार हमको बॉडम बॉडम बोलते हैं? ये बोलकर आप हमको बहुत हॉट कर देते हैं। अरे क्या तुम हॉट 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 करती रहती हो, वो हॉट होता है बॉडम औरत। ऐसे ही पकड़े हैं जाए, हमको आपसे कछु बात ही ना ही करना है। अरे नहीं नहीं पगली, ऐसा ना कहो। देखो हमें भी तो गुस्सा आता है ना, हम भी तो इंसान हैं। अतु का हम केमिकल हैं का? केमिकल? एनिमल तो नहीं कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। अरे हेलो भाभी जी, हाउ आर यू डूइंग? काहे का हिलो भरभूती जी, काहे का हिलो? देखिए ना क्या हो रहा है हमरे साथ, हमरे लाइफ का तो बैंड बा बज चुका है। हम तो किसी को हाथ भी ना ही लगाते, ना पैर लगाते, ना ही सोचते हमरे दिमाग में, और ऐसे ऐसे चाटे पड़ रहे थे इन लोगों को, पता पता ना ही, हमको तो कुछ समझ ना ही आ रहा है। अभी जी, जो हो रहा है उसे एंजॉय कीजिए, आपको टैक्स पर देना पड़ रहा है इसके लिए। लेकिन हम ये सब ना ही कर रहे, कसम से हम ही ना ही कर रहे हैं। भाभी जी, बेशक आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं कर रही हैं, लेकिन आपकी जगह कोई और कर रहा है। ये कौन? हमको पता चल जाए ना, हमरे सामने आ जाए वो, हम ना वो की गुर्दे मरोड़ देंगे, उसको डंडे से पीटेंगे। भाभी जी, क्यों गुर्दे मरोड़ेंगी उसके, क्यों डंडे से पीटेंगे? क्या किया उस गरीब ने? लेकिन वो काहे कर रहा है ये सब हमरे साथ? शायद आपसे मोहब्बत करता हूँ। आका बोले क्या हो सकता है भाभी जी, आपका शुभचिंतक हो? शुभचिंतक गया घुइया के खेत में, हमको कोनो फर्क ना ही पड़ता है। कहना कि अब वो फालतू में एक छो सीधी सादी महिला को जो है वो देवी काहे बना रहा है? हम बहुत ही नॉर्मल लाइफ चाहते हैं, हम दिल से ऐसे कोनो मैनिक्योर करना ना ही चाहते हैं। जी मैनिक्योर एंड पेडिक्योर की जरूरत आपके लड्डू के भैया को है। क्या बोले? मैं कहा भाभी जी, आप मेरे कल्याणी की आप चमत्कार कहना चाह रहे हैं? ऐसे ही पकड़े हैं राजेश मसा लड्डू के भैया। हाँ पगली, ये लीजिए आपके लिए नींबू पानी बनाए हैं। हाँ पगली, लाओ। क्या हुआ, इतना जोर जोर से किस पर चिल्ला रहे थे आप? अरे ये लौंडे साले बकवास कर रहे थे, कह रहे थे कि हमारे अंदर कौनो अंदरूनी कमजोरी आ गई है। ऐसा तो बिल्कुल भी ना आई है, आप तो एकदम बॉडी फिल्टर लगते हैं। बॉडी फिल्टर नहीं, बॉडी बिल्डर होता है बगली। सही पकड़े हैं।